नमस्कार साथियों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जो हमारा तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। कैसे पाएंगे भारतीय युवा बेहतर तकनीकी शिक्षा? भारत में प्रथम श्रेणी की तकनीकी शिक्षा का आलम यह है कि विगत जुलाई में तीन प्रमुख संस्थानों में IIT मुंबई और दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने दुखी होकर सरकार की विशेषज्ञ समिति को बताया था कि धन उपलब्ध ना कराए जाने से वे कई शोध नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें प्रख्यात संस्थान की उपाधि मिलने के बाद उन्हें इसकी अपेक्षा थी कि सरकार का जवाब उतना ही लाल फीताशाही का सूचक था। उसके अनुसार इस संस्थाओं ने पिछले साल दिए धन को अभी तक खर्च नहीं किया है। साथ ही हर 3 माह बाद प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। सरकार यह भूल गई है कि गंभीर शोध हर बजट वर्ष में आवंटित पैसे से नहीं होते और ना ही हर 3 महीने में प्रगति के हिसाब से होते हैं। यह कोई सिंचाई प्रोजेक्ट या पुल बनवाना नहीं है कि नाप लिया जाए कि आमुक समय में कितनी प्रगति हुई है। सरकार को यह भी सोचना होगा कि वैश्वीकरण के युग में हम अपने युवाओं को ना तो विश्व स्तर की तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं और ना ही यह हासिल करने के लिए उन्हें अमेरिका यूरोप में पढ़ने में कोई मदद कर रहे हैं, ताकि हम भी देश में ही मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार बना सकें। चीन पहले ही इसमें बाजी मार चुका है और अब हमारा हिस्सा लेने की फिराक में है। आज दुनिया में 200 बेहतरीन विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी शामिल नहीं है, जबकि इसमें अमेरिका के बाद चीन का स्थान आता है। अभी तक हमारे हित में यह तथ्य था कि चीन के मुकाबले हम अंग्रेजी अच्छी बोलते थे और हमारे युवा इंजीनियर्स की सेवाएं अमेरिका कम पगार में हासिल कर लेता था। चीन ने अंग्रेजी पढ़ाने की विशेष व्यवस्था की और बड़ी तादाद में वहाँ भी बच्चे इसे सीख रहे हैं। ध्यान रहे कि अमेरिका में पढ़ने जाने वाले दुनिया के कुल छात्रों में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। अगर भारत आबादी में ही वही स्थान रखता तो यह सामान्य बात है। चिंता यह होनी चाहिए कि चीन के मुकाबले हमारे केवल आधे छात्र ही उस शिक्षा को ही क्यों हासिल कर रहे हैं। खतरा यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की कंपनियां जो रोजगार भारत में BPO या अपनी इकाइयों के जरिए देती हैं, वे चीन का रुख ना कर लें। वैसे भी अमेरिका हम भारत की सेवाएं द्वितीय श्रेणी की तकनीकी जरूरतों के लिए ही लेता है, ना कि अव्वल दर्जे के लिए। चलिए, तो ये था हमारा एक एडिटोरियल जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित था।